और ये फिट हो गया है। अब देख सकते हो येलो वाला पार्ट गायब है। अब ये मेरा असली पिन लॉक अब बाहर निकल के आया, ये मुझे भी नहीं पता था, अब पता चल गया ये मेरा असली पिन लॉक बाहर निकल के आ गया। अब देख सकते हो अब कोई येलो कुछ तो क्या हाल चल गाइस, आई एम समीर फ्रॉम स्ट्रिंग्स एंड थ्रॉटल और आज की वीडियो में वही होने वाला जो आप लोग मेरे से कुछ दिन से पूछ रहे हो। बेसिकली जो मेरा हेलमेट है ये वाला जो अभी रिसेंटली मैंने ख़रीदा है एक्सर का DC एपेक्स जोकर एडिशन। तो आप लोग पूछ रहे कि यार हेलमेट से जो फॉग वाला जो ये है वाइजर इसे कैसे हटाना है। तो देखो इससे ना प्रॉब्लम देखो मुझे भी आ रही है, जितना मैंने अभी तक मैं इसको लेने के बाद जितना मैंने अभी तक राइड करा है ठीक है। तो सीन क्या है तो देखो प्रॉब्लम ये आती है मुझे है ना, एक तो पूरा दुनिया जहान सब कुछ येल्लो हो जाता है और दूसरा जो इससे मुझे एक प्रॉब्लम आती है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रोड ना मतलब रोड पर जो गड्ढे आते हैं वो मुझे ढंग से नहीं दिखते। मतलब अभी रिसेंटली बताऊँ मैं संडे में बाहर गया था राइड पे, एक्चुअली अराउंड कहाँ मेरठ गया था मैं, तो रास्ते में ना मतलब बड़े बड़े गड्ढे थे मुझे पता नहीं चला वाली बाइक ना इतनी ऊँची उछल गई। मतलब रोड सपोज ये रोड है इतना ऊँचा उछल गई वो मुझे मतलब इसमें मुझे वो अंदाज़ा नहीं लगा कि कितना बड़ा गड्ढा है, मैं घुसू ना घुसू स्पीड स्लो करनी है। तो मुझे इससे एक चीज़ की प्रॉब्लम यही लगी बस येल्लो ना कि येल्लो नहीं होता। अगर ये चीज़ जो ये जो वाइजर है जो पिन लॉक वाला पार्ट है अगर ये वाइट कलर में होता ना तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा बेटर होता, एकदम क्लैरिटी तो होती मेरे सामने। तो मैं भी इसे रिमूव करना चाहता हूँ, प्रॉब्लम होती है यार मानता हूँ, लेकिन फॉग का भी सीन है, फॉग नहीं आता। तो ठीक है आपको रिमूव करना है, बताता हूँ ज़्यादा कुछ स्टेप्स नहीं है, 2-3 स्टेप्स का कुछ लिए हैं बस, थोड़ा सा काम है आपको, मुश्किल से 5-10 मिनट लगेंगे वो भी ज़्यादा बता रहा हूँ। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वाइजर है इसके जो फॉग वाला पार्ट है ये कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये बेसिकली देखो जो येलो वाला पार्ट ना ये पूरा एक वाइजर का एक अलग से पार्ट भी है, बट आपके पास ऑप्शन है या तो पूरा हटा दो या आप येलो वाली जो लेयर है वो हटा दो ठीक है, दो ऑप्शन है। तो दोनों दिखाता हूँ करना क्या है। सबसे पहला स्टेप आपको वाइजर है ना इसे ऊपर करना, बिल्कुल बिल्कुल अप कर दिया। सेकंड स्टेप आपको वाइजर रिमूव करना है, वो कैसे करोगे, यहाँ पे रेड बटन देख रहे हो ये वाला, इसको नीचे करना है ठीक है। ये मैं करूँगा इसे नीचे और वाइजर को पीछे खींचना है थोड़ा ठीक है, वाइजर मेरा बाहर आ गया। आपको दबा के पीछे की तरफ खींचना है, हल्का सा पीछे की तरफ, ज़्यादा स्ट्रेंथ ज़्यादा मतलब ज़्यादा जान मत लगाना कि वो टूट ही जाए। उसके बाद सेम दूसरी तरफ से करना है, कैसे बाहर आ गया फाइनली। थोड़ा सा देखो थोड़ा सा अगर फर्स्ट टाइम करोगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल मतलब निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगा आपको वाइजर को, जैसे मुझे भी आया। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था कि मैंने इस हेलमेट का वाइजर ओपन करा है फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कैसे रिमूव करना है और मुझे भी रिमूव करना था, तो इसलिए मैं वेट कर रहा था कि आपके आपको दिखाते हुए ही रिमूव कर लूँगा। आप देख सकते हो ये येलो वाला पार्ट, अब करना क्या, अब जो ये ना आपका वाइजर इसको थोड़ा फ्लेक्स करना है, बट ज़्यादा मत करना कि आप ऐसे आधा ही कर दो उसे, थोड़ा सा फ्लेक्स करोगे और जो देख रहे हो जो ये येलो वाला पार्ट है इसके अंदर थोड़ा सा उंगली अपना फिंगर डालोगे ना, फिंगर से थोड़ा सा लिफ्ट करना, देन ये देखो ये उठ जाएगा और इसको ना ये वाला पार्ट से थोड़ा सा पीछे पुल करना और ये ऐसे करके निकल जाएगा ठीक है, ऐसे करके निकल जाएगा। सेम दूसरी तरफ से करना, ये आपकी ये तो है कि आपका जो पूरा वो वाला पार्ट है येल्लो वाला पूरा कंप्लीट हट जाएगा। और दूसरा इसमें एक और ऑप्शन मैंने जो देखा था वो ये था, आपको मैं दिखाता हूँ, हाँ जो येल्लो वाली जो लेयर है ये आप रिमूव कर सकते हो, ये देख रहे हो ये येलो वाली लेयर रिमूव हो जाएगी टोटली और इसके अंदर से क्या निकला वाइट वाला पिन लॉक, मतलब जो नॉर्मल है बेसिकली येलो वाला पार्ट ये लेयर है, चाहे तो आप इसे रख लो बट मोस्टली ये सब हटा देते हैं आई थिंक। ये मैंने भी नोटिस नहीं करा कि इसमें लेयर थी, मुझे लगा कि पूरा पार्ट येलो है ये तो मुझे पूरा रिमूव करना पड़ेगा, बट नहीं जब मैं इसे अभी निकाल रहा था तो मैंने नोटिस करा कि हाँ भाई इसमें लेयर भी है जो कि हम हटा सकते हैं, और उसके जो नीचे जो पार्ट लगा हुआ है ना ये जो नॉर्मल है लेयर मैं पूरी हटा देता हूँ, बाकी आपके ऊपर है आप या तो पूरा हटा दीजिए या फिर पूरा मत हटाइए। अब मैं तो देखो मेरे को ये पता चल गया कि लेयर है तो मैं लेयर हटाना पसंद करूँगा और ये लेयर मैंने हटा दिए, देख सकते हो मैं अभी जितनी मैंने राइड करी है मैंने एक्चुअली लेयर पहन के करी है, ऐसे मैंने टोटली आपको दिखाओ मैंने ऐसे लेयर पहन के करी है, आंखों के सामने बिल्कुल येलो पूरा जहान येलो था।
अब मैं इसे हटा दूंगा। अब देख सकते हो ये क्या सही लग रहा है। अब मैं इसको दोबारा लगाता हूँ। दोबारा लगाने के लिए थोड़ा सा इसको फ्लेक्स करना, छोटा वाला वाइजर है अंदर वाला, आपको उसके अंदर ना फंसाना है बस। आपको अपने मेन जो वाइजर बड़ा वाला उसको फ्लेक्स करना पड़ेगा अगर आपको इसको फिट करना चाहते हो तो प्रॉपर। और ये फिट हो गया है, आप देख सकते हो येलो वाला पार्ट गायब है। अब ये मेरा असली पिन लॉक अब बाहर निकल के आया है, ये मुझे भी नहीं पता था, अब पता चल गया। तो ये मेरा असली पिन लॉक बाहर निकल के आ गया है। आप देख सकते हो अब कोई येलो कुछ पूरी दुनिया मुझे क्लियर दिखेगी, कोई येलो वाला पार्ट नहीं दिखेगा, सबसे बढ़िया चीज। अब इसके बाद जब आप ये कर लोगे देन कुछ नहीं करना, वाइजर मैं वापस लगा दूंगा ये। और वाइजर लगाने में क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम चीज़, थोड़ा इसको ऊपर करना, ऊपर की तरफ इसको जहाँ पे ये जो सबसे पहले वाला पार्ट है, जो बड़े वाला पार्ट है ना, बड़े वाला, सबसे पहले आपको इसको फिट करना है। इसको मतलब इसकी पोजीशन में जाके आपको ऐसे करके बिल्कुल ऊपर करके वाइजर को इसको कर देना प्रेस। थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा, हल्का सा स्ट्रेंथ लगाना, पुश करना है अंदर, ठीक है, खुद लग जाएगा फिर ये। उसके बाद सेम दूसरी जगह से भी ये ऐसे ही करना है आपको। पर याद रखना ज़्यादा ज़्यादा जान लगाओगे तो वाइजर पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, जो इसकी जो इसका मैकेनिज्म है ये, इस पर इम्पैक्ट आ सकता है सबसे बड़ा। और उसके वाइजर को प्रॉपर फिट करने के लिए इसको बंद कर दो। और अब आपका वाइजर लग चुका है और जो पिन लॉक की लेयर थी वो हट चुकी है फाइनली, जो कि ये थी। इसे मैं फेंक दूंगा डस्टबिन के अंदर। तो ये मैकेनिज्म एकदम वर्क कर रहा है, देख लो प्रॉपर। बस आपको मैं कहूँगा थोड़ा ध्यान से करना, मैंने फर्स्ट टाइम करा है वैसे, तो ध्यान से करा है, आपके सामने ही करा है। अब लग रहा है बढ़िया। और वैसे देखो मेरा मन है इसके साथ जो मुझे इरिडियम वाला जो ब्लू वाइजर मिला है ना वो लगाने का, बट मैं फिर भी कुछ टाइम के लिए नहीं लगा रहा हूँ, कुछ टाइम बाद लगाऊंगा। पर आई थिंक जो ये जो पिन लॉक है ना, ये वाला, ये मेरा वो जो ब्लू वाला इरिडियम वाइजर है उसमें भी काम करेगा, तो उसको भी मैं बहुत जल्दी लगाऊंगा। पर थोड़ी बहुत राइड्स इसके साथ कर लूँ पहले मैं, एकदम ट्रांसपेरेंट के साथ, देन उसके साथ। तो गाइस बस आज की वीडियो में यही दिखाना था, आई होप आपको भी आया होगा। मैंने ही फर्स्ट टाइम करा, आप भी ट्राई करो बट ध्यान से, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है ना। बाकी देखो हेलमेट का अगर रिव्यू दूँ थोड़ा बहुत, तो हेलमेट बहुत बढ़िया है, कंफर्टेबल है, एकदम मज़ा आता चलाने में मुझे इसे पहन के, मतलब बिल्कुल भी ना कहीं से हवा नहीं आती, ये देख रहे हो, ये इसकी वजह से इतना सेफ है ना, कोई हवा मतलब यहाँ से हवा घुसती नहीं मुझे, और बहुत बढ़िया। बाकी थोड़ा बहुत तो देखो हवा कानों में आती है, जो आवाज़ हवा आती है ना, उसके लिए तो आपको ही कुछ, या तो ये कानों को ढकने के लिए कुछ पहन लो। तो मिलता हूँ फिर गाइस आपसे नए ब्लॉग में बहुत जल्दी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो।